and assalamu alaikum. This is Madiha Masood and I welcome you to the Unapologetic Show. आज के हमारे गेस्ट हैं अ रेनाउंड बिजनेसमैन. बहुत कुछ वो कर चुके हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं. अ मैन विद विजन. लेट्स गेट कनेक्टेड टू द गेस्ट और देखते हैं कि उनकी क्या कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स है और क्या कुछ वो करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच सर मीर अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस. बताइएगा कि आपने जो इतनी कामयाबी का सफ़र तय किया है और मज़ीद भी इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे, तो किस तरह से आपने इसको शुरू किया, क्या हार्डशिप्स देखी, कुछ हमारे लोगों से शेयर कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. हार्डशिप तो कोई भी आप काम शुरू करो तो होती है, एक जनरल होता है. It all depends how do you really execute and how do you really tackle those hardships. कुछ ना कुछ हर इंसान में एक विजन होता है. मुझे ये है कि मेरी एक डिटर्मिनेशन होती है, एक मैं डिटर्मिन हूँ, मुझे ये काम करना है, मैं उस काम पर लग जाता हूँ और इसके बाद जो है ना उसको छोड़ देता हूँ. मोटिव हमेशा यही रहा, थिंक बिग बिग हैपन्स. सो देर हैज़ बीन माई मोटिव एंड लुक वेयर आई एम टुडे. Okay, you have done so much for the community, Pakistan ke liye bhi, but aap low profile rehte hain. Like, jo maine abhi tak inke bare mein research kiya, log inko generous mante hain aur chupa Rustam kehte hain aapko log. Why it is so, log to ek kaam karte hain aur wo kehte hain Facebook par dal. Aap aisa kyun nahi karte hain? Mera maanna ye hai ki agar maine kuch bhi is tarah ka koi kiya hai, koi bhi maine charity kiya hai, koi bhi acha kaam koi kar raha hu, to usse kisi ki zaat ko koi farak to padne wala nahi hai. दो तीन दिन के लिए लोग जो है ना वो बातें इधर उधर की करते हैं एंड देन दे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. व्हाई नॉट जस्ट कंटिन्यू विद योर लेगेसी. ओके, यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन हमने देखा है कि आपने स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाए ह्यूस्टन में. तो बिजनेसमैन जो है वो हमेशा बिजनेस के पीछे जाते हैं जब भी वो कोई नया वेंचर शुरू करते हैं. तो आपने स्पोर्ट्स के साथ क्या लिंक निकाला, क्या ये आपको कोई बिजनेस है या फिर आपका इंटरेस्ट? ये एक इंटरेस्ट कह सकती हैं, बट मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट ही सोचता हूँ. हाउ मेनी पीपल इन द बिजनेस थिंक ऑफ लीविंग अ लेगेसी? फॉर मी दिस इज़ अ लेगेसी दैट आई वांट टू लीव बिहाइंड फॉर द जनरेशंस टू कम. ओके, जब वो कहते हैं ना कि काफिला चलता है तो बहुत सारी दुनिया पीछे पीछे आती है, तो सक्सेस के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिस्ट लोग तो मिलते ही होंगे, उनको साथ लेकर चलते हैं या फिर उनसे छुटकारा कैसे पाते हैं? नहीं, उनको साथ लेके चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ना ही उनसे मैं कोई छुटकारा पाता हूँ. एक उनके लिए ना एक फील्ड दे देता हूँ कि दिस इज़ हाउ आई डिड इट, इफ़ यू आर डिटरमिंड लेट्स डू इट. उनको एक रास्ता बता दिया कि आप इस रास्ते पे चल पड़ो, नाउ इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ डू यू रियली एक्सिक्यूट योर प्लान्स. ओके, देसी कम्युनिटी का मैंने ये देखा है कि जब भी कोई सक्सेसफुल होता है एक करियर को लेकर, सब लोग वैसा ही बनना चाहते हैं. आप कुछ अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने बारे में बताइए कि क्या आपको भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट की, आपने किस तरह से उन लोगों को फेस किया और आज क्या वो लोग कहाँ हैं? हर्डल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन मशहूर है ना कि हमारी देसी कम्युनिटी के बारे में बेड़ चाल. जी, तो बेड़ चाल जो है ना वो तो कहीं पर भी आप चले जाओ तो हमारी देसी कम्युनिटी में होती है. तो वो हुई इधर भी जब मैं ह्यूस्टन में आया था, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया. शायद मेरी सक्सेस का एक यही रीज़न है कि मैं एक लो प्रोफाइल रहता हूँ, किसी को बताना नहीं है. अपना जो एक मोटिव है, एक जो आपने एक प्लान बनाया हुआ है उसको एक्सिक्यूट करते रहो, लेट अदर्स टॉक अबाउट इट, हु केयर्स. ओके, ये बताइए कि यहाँ का सिस्टम और पाकिस्तान का सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स में आपको क्या फ़र्क लगता है और क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहें कि पाकिस्तान में वही सिस्टम हो जो यहाँ का सिस्टम है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ पे आपके लिए ना बहुत सारी सहूलियात है. एक कॉमन मैन जो है ना वो फ्रॉम ज़ीरो टू मिलियन ही कैन मेक हिमसेल्फ ग्रेट, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है. अगर आपके पास पाकिस्तान में कनेक्शंस नहीं है तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि पाकिस्तान में क्या देखना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान में एक सिस्टम देखना चाहते हैं कि जो एक सिस्टम हो पाकिस्तान में और यहाँ के में. सिर्फ फ़र्क ही यही है कि यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, वी फॉलो द सिस्टम, लेकिन वहाँ पे सिर्फ यही है कि करप्शन है. जिसने भी कोई काम करना है वो करप्शन के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता. सो आई हैव हर्ड कि आपको लास्ट ईयर एक पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस सिविल अवार्ड आपको दिया गया. अब इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड नाउ. अब बहुत सारे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बहुत सा एफर्ट करते हैं, काम करना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट अवार्ड. और हमने सुना कि आपने उस अवार्ड के लिए मना भी किया, लेकिन आपने कहा कि मुझे नहीं चाहिए वो जनरोसिटी में. सो ऐसा क्यों था, आपकी खिदमत थी और उसी पर आपको सराहा जा रहा था? देखिए, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोई भी आपने चैरिटी करनी है, कोई भी आपने जनरस काम करना है, नेकी कर दरिया में डाल,
उसको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए यही था कि ये एक अवार्ड मिलने के बाद एक शो ऑफ होगा, तो दैट वाज द रीज़न आई रिफ्यूज टू टेक इट। हाउएवर नो चॉइस वाज लेफ्ट फॉर मी बट टू एक्सेप्ट द अवार्ड। तो फिर मैं जाके उसको अवार्ड को लिया, बट एज यू हैव सीन आई हैव नेवर पुट एनीथिंग लाइक दैट इन द सोशल मीडिया। ओके, आपने बिजनेस में तो अपना नाम बनाया, बट अभी आपने स्टेप इन किया है, जो आपने स्टेडियम्स बनाए ह्यूस्टन में, ये प्लान्स कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान अब जो है वो लीग्स करा रहा है, लाइक उनकी अपनी एक लीग है, उसके बाद वो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी लीग्स में जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आप कहाँ तक लेकर जाएंगे, आपका लीड रोल क्या रहेगा? देखिए, ये जो शुरू हुई थी T20 की लीग, ये IPL से शुरू हुई, इंडिया ने शुरू की एंड इंडिया हैज़ टेकन दिस लीग टू नेक्स्ट लेवल। इसके बाद कैरेबियन लीग शुरू हुई, फिर पाकिस्तान ने भी शुरू की। नॉट मैनी पीपल नो बट आई ओन अ टीम इन कैरेबियन लीग एज वेल। आई ट्राई टू ओन अ टीम इन PSL एज वेल, बट जैसे कि पहले अर्ज किया कि कुछ पाकिस्तान में करने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो आई डिसाइडेड टू बेसिकली स्टे अवे फ्रॉम दैट साइड ऑफ इट। अब जब इतनी लीग्स हो रही हैं कि बिग बैश भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, अभी श्रीलंका ने नई शुरू कर दी है, 2 साल हो गए, कनाडा ने भी शुरू की थी, तो सबसे पहले ये था कि इंडिया ने जो IPL शुरू की थी, दे हैव टेकन टू द वेरी नेक्स्ट लेवल, फॉलोड बाय वेस्ट इंडीज़ ने शुरू की एज अ CPL। नॉट मैनी पीपल नो बट आई एम पार्ट ऑफ CPL एज वेल, आई ओन बारबाडोस ट्राइडेंट्स ओवर देयर। इसके बाद काफ़ी सारी और लीग शुरू हुई रिसेंटली, कनाडा, श्रीलंका ने भी शुरू की है। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग इन अमेरिका, जो कि 2023 में शुरू होगी। और आई स्ट्रांगली बिलीव के जो अमेरिका में जो लीग शुरू होगी, दैट वुड बी अ सेकेंड लार्जेस्ट लीग। एब्सोल्युटली, एंड US नीड्स इट। डेफिनेटली US नीड्स इट, और काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट जो US में हो रही है, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो US में मूव हो रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रिसेंटली समी असलम फ्रॉम पाकिस्तान मूव्ड, रमीज राजा जूनियर हैज़ ऑलरेडी मूव्ड हियर, ही इज एक्चुअली एक्टिवली प्लेइंग इन ह्यूस्टन राइट नाउ, एंड वी हैव अनदर प्रॉस्पेक्ट प्लेयर जस्ट वेटिंग फॉर हिज वीज़ा, ही शुड बी कमिंग हियर इन अबाउट नेक्स्ट 2 to 3 weeks। Awesome. ये जो अभी हम प्ले ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, आई नो ये बातों की बात नहीं है, बना लेना आसान नहीं है, ये एक विजन है। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि यू आर मैन विद विजन, तो आपने किस तरह से सोचा कि क्योंकि ये एक खिदमत भी है पाकिस्तान की और लोगों को कनेक्ट कराना पाकिस्तानियों को US गेम के थ्रू, सो आपके जो क्रिकेट ग्राउंड्स पर हम कब देखेंगे लीग, जो जिसे इन हाउस लीग कहा जा सकता है? मैं थोड़ा सा ना आखिरी सवाल है वो पहले आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारी लीग्स हैं वो काफ़ी सारी शुरू हो चुकी हैं। हमने अभी रिसेंटली अंडर 19 की चैम्पियनशिप जो कि US में फर्स्ट टाइम हुई है वो करवाई है। इसके बाद वी हैड अ ह्यूस्टन कप विच हैड अबाउट 16 टीम्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द US। देयर वर 31st क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स एक्चुअली केम इन हियर। तो वो काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट क्रिकेट की है ना वो अमेरिका में इनिशिएट हो चुकी है। अब ये विजन जो मैंने जो शुरू किया था वो जहन में यही था कि जो पैसा तो कमा लिया, बहुत सारा कुछ कर लिया, पर लाइक आई सेड अर्लियर, हाउ मेनी पीपल वांट टू लीव अ लेगेसी, दे आर जस्ट कंटिन्यू टू फोकस ऑन द बिजनेस मेकिंग मनी। फॉर मी, लीविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ लेगेसी बिहाइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग मनी। ओके, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जब इंसान कामयाब होता है और उसके पास, जैसे आपने बताया कि पैसा तो कमा लिया, पैसा हो, स्टेटस हो, तो हर इंसान अप्रोच करता है अपने काम के लिए, आप उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं या उन्हें वे बताते हैं कि वो आप ही के रास्ते पर चलें और कामयाबी लें? देखिए, ये एक बहुत इजी है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे जस्ट मेक दिस अ वेरी इजी टास्क अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। मेरा मानना ये है कि अगर मुझे अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी है, ठीक है, मेरे पास कोई आता है, मैं उसको एक लीड कर देता हूँ, पूरी गाइडेंस दे देता हूँ उसको, दीज आर इन एंड आउट्स, नाउ गो एंड डू इट योरसेल्फ। So that has been my plan. Anyone who approaches me, I lay out completely and you just go and do it yourself. Okay, with apology, I have seen a little, you know, digital war bhi maine dekhi hai, like jo log aapki leg pulling karte hain, but you are so blunt ki aap unhe bilkul seedha answer kar dete hain, though wo aapka naam nahi lete, lekin aap unka naam leke unhe answer kar dete hain. So ye jo war hai,
क्या इन पर्सन भी कभी बड़ी आपके साथ के लोगों ने ग्रजेस रखे हों और बहुत ही कोई मुश्किल आपके लिए रखी हो? नहीं, होती रहती है, लेकिन क्या होता यही है ना कि अगर आप अपनी जगह पहले तो ये सोचो कि सही हो। अगर आप बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो, देन यू हैव नो फियर टू वरी अबाउट। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमने सुना जब वेरी रिसेंट आप ही के एक पर्सनल फंक्शन पर पाकिस्तान से कुछ मुअज्जज मेहमान आए थे, तो लोगों ने ये बोला कि पैसे वालों के सब दोस्त होते हैं, इसीलिए ये सब कुछ शो ऑफ किया गया अकॉर्डिंग टू देम। तो आप उन्हें क्या आंसर करना चाहेंगे? वी नो कि आप बहुत ब्लंट हैं, लेकिन एनीथिंग और एनी एडवाइस फॉर देम? मेरा नहीं ख्याल कि ये पैसे वालों की वजह से शो ऑफ होता है। पैसा मेरे से भी शायद लोगों के पास ज़्यादा है, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि एक अल्लाह की रहमत होती है और जो हर एक को नहीं मिलती है। अब शेख साहब जो मदीना में ही इज़ अ कस्टोडियन ऑफ प्रॉफिट हुजरा, आप वो आए हैं, क्या वो पैसे से इधर आए हैं? वो एक रिस्पेक्ट से आए हैं। अब ये आपकी एक पर्सनल डीलिंग है कि आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं। बींग ब्लंट इज़ गुड, but you have to earn your own respect. Absolutely. इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़े, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि जब भी कोई पाकिस्तानी यहाँ पर कामयाब होता है तो वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं? मेरा फोकस यही है ना, जो करो वो अच्छे से करो। बिजनेस में फोकस है, लेगेसी छोड़नी है, पॉलिटिक्स में क्या रखा है? दूसरों को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो मैं नहीं कर सकता वो दूसरे करें और वो पॉलिटिक्स में जाएं। आई एम हैप्पी फॉर देम। अभी बढ़ेंगे हम अपने कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हमारा फर्स्ट सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक। वेलकम बैक। तो तनवीर साहब, हमारा सेगमेंट है ट्रूथ और ड्रिंक, और ये जो ड्रिंक है ये हमारे पास टैप वाटर है। सो अगर आप सच बताएंगे या फिर आपको ये टैप वाटर पीना होगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक कोई ऐसी बात जो आपने आज तक लोगों से छुपा रखी है। कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरे साथ, मैंने ओपन बुक, और आपने कुछ भी छुपा नहीं रखा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिकेट और फिल्म एक्ट्रेसेस के बीच बहुत पुराना कनेक्शन रहता है, ये बताइए कि आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है जिसे आप अपनी लीग्स पे भी बुलाना चाहेंगे? करिश्मा कपूर। ऑलराइट, ऑसम। तो जनाब, कोई ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान क्रिकेट से हटा दिया जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की कर सकती है? Miss Paul Haco. अपने आप को अगर आपने नॉमिनेट करना हो तो नेक्स्ट कौन से सिविल अवार्ड पर आपकी नजर है? मेरी नजर फिलहाल तो ये ग्लास पे है जो मैं पानी पी लूं। There you go. Okay, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको अपना फोन उठाना है और आपने कॉल करनी है किसी एक क्रिकेटर को, और आपने उसे 25 सेकंड में कन्विंस करना है जस्ट टू से हेलो। अब देखते हैं कि ये एक टाइमर हमारे पास चल चुका है, अब देखते हैं कि 25 सेकंड में कौन से क्रिकेटर को कॉल लगने वाली है। जस्ट पुट इट ऑन स्पीकर। सो जनाब, ये उस्मान रफीक को कॉल लगने वाली है, देखते हैं क्या। जी वाहन साहब, भैया आप अभी ये किसी को आपने हेलो करना है, आप सिर्फ हेलो कर दो जी, आप हेलो कर दो किसी को। हेलो कर दो? हाँ, हेलो बोल दो ना, कहो मैं हेलो कह रहा हूँ आपको। आप अभी सिर्फ हेलो कह दो। जी जी, हेलो। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर सेइंग हेलो टू अस। अब लेटर ऑन आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये हेलो क्यों हुआ था। वेल, आप बच गए क्योंकि हमारे पास बाकी थे सिर्फ 4 सेकंड्स और आपने टाइम खत्म होने से पहले ही उनको कह दिया। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, वुड यू रादर। सो तनवीर सर, इस सेगमेंट में मैं आपको दो सिचुएशंस दूंगी एंड यू हैव टू पिक वन। आई नो यू आर गुड इन इंस्टेंट आंसर्स। तो जनाब, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू रादर बी गॉसिप्ड अबाउट और नेवर टॉक्ड अबाउट एट ऑल? नेवर टॉक्ड अबाउट। ओके, वुड यू रादर गो विदाउट टीवी और जंक फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? टीवी। वुड यू रादर एंड हंगर और हेटर्ड? एंड हंगर। ओके, वुड यू रादर स्पेंड द होल डे एट अ पार्क और लेइंग ऑन द बीच? Whole day at the park. Okay. Would you rather be fluent in all language or be a master of every musical instrument? Fluent in the language.
Okay. Would you rather meet the President of the United States or a movie star? Movie star. Why not the President? Okay, would you rather own your own boat or your own plane? Boat. Would you rather sing a song in front of a complete stranger or in front of your closest friends? Closest friends. So, iske saath hi hamara segment Would You Rather hua tamam. Let's move on to the third and last segment. Alright, so hamare third and last segment mein aapko ek tweet dikhaungi aur aapne us tweet ko padhna hai. और फिर या तो आपने इंस्टेंट रिस्पांस देना है या फिर एक्सप्रेशन से उस ट्वीट को आंसर कर देना है. ये आपका फर्स्ट ट्वीट. 28 मई हमें नवाज शरीफ की अपनी मिट्टी से वफा की दास्तां हमेशा सुनाता रहेगा. खित्ते में ताकत के तवाजन को बरकरार रखना पायदार अमन की जानब एक कदम था. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारहियत नहीं बल्कि बका का निशान बन गया और हमें फ़ख्र है कि इस अजीम काम के लिए अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को चुना. Seriously? और हमारा जी नेक्स्ट जो ट्वीट है नून लीग के इक्तदार के 10 वर्षों के 2.6 अरब रुपए के बरक्स हमारे दौर में 192 अरब रुपए की सरकारी अराजी गुजार करवाई गई. नून लीग के 10 साल दौर हुकूमत के 430 मिलियन के बरक्स हमारे दौर में 2.35 अरब रुपए की कैश रिकवरी हुई. नून लीग के 10 वर्षों के सिफर के मुकाबले में बिलवास्ता कैश रिकवरी का हजम 26 अरब रुपए हो चुका है. मुझे इस चीज़ का पूरा नंबर्स का पता नहीं है तो आई डिसएग्री विद दिस. ओके सो द थर्ड एंड लास्ट ट्वीट इज दिस. PCB receives 3,989 applications for club registration. I believe that. और आपको लगता है कि ये चीज़ प्रोग्रेस की तरफ जाएगी कि क्रिकेट जो है वो अब गली कूचों से निकल कर अब स्टेडियम भी दोबारा से आबाद होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि PCB has chosen the right path to develop cricket in Pakistan at the grassroots level. All right, thank you so much, Mr. Tanmeer. आपने अपना precious time हमें दिया. बट जाते जाते last advice या फिर आपके कमेंट्स हमारे व्यूवर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो आपको एज इंस्पिरेशन लेते हैं. मेरा सिर्फ एक ही कमेंट होगा सभी के लिए, अपने काम से काम रखो, दूसरों के साथ अपनी टांगे नहीं उड़ाओ. जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा. ना आप मेरा कुछ छीन सकते हो ना मैं आपको दूंगा. वंडरफुल मैसेज. विद दिस अब हमें आपको कहना होगा गुड बाय. इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में किसी वंडरफुल गेस्ट के साथ हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.